कलर्स टीवी पर जल्द ही शैतानी चुड़ैल नाम से एक नया सुपर नेचुरल शो आने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया ही है कि इस नए शो में लीड रोल में एक्ट्रेस निया शर्मा नजर आएंगी। वहीं अब कलर्स टीवी के इसी नए शो के जरिए शहजादा धामी की किस्मत एक बार फिर से पलटने वाली है। जी हाँ, दरअसल ये रिश्ता क्या कहलाता है से आउट होने के बाद शहजादा धामी को इस बड़े शो में लीड रोल के लिए साइन कर लिया गया है, जहाँ शहजादा इस बार निया के ऑपोजिट नजर आने वाले हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन से ये अफवाहें सामने आ रही थी कि शहजादा को एकता कपूर के नागिन 7 में कास्ट किया जाएगा, लेकिन उन्हें अब सुहागन चुड़ैल में ले लिया गया है। ये रिश्ता में रहने के दौरान तो शहजादा की पॉपुलैरिटी बड़ी ही, लेकिन इस शो से निकाले जाने के बाद से हर तरफ वो काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ चुके हैं। ऐसे में सुहागन चुड़ैल के मेकर्स ने इस लाइमलाइट का पूरा फायदा उठाते हुए शहजादा को सीधा अपने शो में आने का मौका दे दिया है। खबरें हैं कि शो में शहजादा निया के पति के तौर पर नजर आएंगे, जो कि एक चुड़ैल के काबू में आ जाता है। वो चुड़ैल एक खास मकसद से शहजादा के किरदार को अपने वश में कर लेगी। बता दें कि ऐसी खबरें हैं कि इस शो में चुड़ैल का किरदार एक्ट्रेस देव चंद्रमा सिंह रॉय निभाती नजर आएंगी, जो एक फेमस बांग्ला एक्ट्रेस है। बता दें कि इस शो के जरिए जहां निया शर्मा 4 साल के लंबे वक्त के बाद डेली सोप में नजर आएंगी, तो वहीं देव चंद्रमा का ये पहला हिंदी शो होने वाला है। तो वही शहजादा को ये रिश्ता से निकले अभी महज एक महीना भी नहीं हुआ, ऐसे में एक्टर के हाथ नया शो लगने से उनके फैंस बेहद खुश है। जाहिर तौर पर फैंस शहजादा के इस नए शो के लिए काफी क्यूरियस होंगे कि इस बार उनके किरदार का अंदाज कैसा होगा और क्या वो सुहागन चुड़ैल शो से अपने ही पुराने शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को मात दे पाएंगे। बता दें कि सीरियल सुहागन चुड़ैल को निंसुला पिक्चर्स के बैनर तले बनाया जाएगा। इससे पहले उन्होंने अलादीन नाम तो सुना होगा, अलीबाबा, पिशाचनी जैसे पॉपुलर शोज बनाए थे। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि ये नया शो यानी कि सुहागन चुड़ैल भी खूब धूम मचाने वाला जरूर है।